टीवी इंडस्ट्री के बड़े बड़े रियलिटी शोज के प्रोड्यूसर सोहन चौहान के संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उनका शव मुंबई के आर्य कॉलोनी स्थित रॉयल पाम्स तालाब में मिला है। अचानक आई उनकी मृत्यु की खबर से पूरे टेलीविजन इंडस्ट्री शॉक में डूबी हुई है। मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक रविवार 16 जून को सोहन का शव तालाब में पाया गया, जिसके बाद उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए सिद्धार्थ अस्पताल ले जाया गया है। सोहन की मौत के कारणों का पता अब तक नहीं चल सका। रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि मृत्यु के वक्त सोहन घर में अकेले थे। खबरों की माने तो जिस वक्त सोहन की मौत हुई वो घर में अकेले ही रह रहे थे। उनकी पत्नी दिल्ली में थी। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सोहन चौहान की शादी को अभी कुल 6 महीने ही हुए थे। बताया जा रहा है कि सोहन को आखिरी बार उनकी नौकरानी ने 15 जून को घर में देखा था। वहीं सोशल मीडिया पर वो 13 जून तक एक्टिव रहे। उनके सोशल अकाउंट को देखे तो सोहन ने आखिरी पोस्ट सारे गमा पा फिनाले को लेकर किया था। इसके अलावा उन्होंने कविताओं से जुड़े कुछ पोस्ट भी किए थे। बता दें कि सोहन चौहान इंडियाज गॉट टैलेंट सीजन 7 और मास्टर सेफ इंडिया सीजन 6 जैसे लीडिंग रियलिटी शोज के प्रोड्यूसर रह चुके हैं। इसके साथ ही वो टीवी इंडस्ट्री का जाना पहचाना नाम है। वहीं सोहन चौहान के संदिग्ध मौत की छानबीन चल रही है। पुलिस के मुताबिक फिलहाल ये मामला आत्महत्या का बताया जा रहा है। बता दें कि बीते दिनों टेलीविजन से जुड़ी कई हस्तियों के निधन की खबर आ चुकी है। कुछ दिन पहले गिरीश कर्नाड ने दुनिया को अलविदा कह दिया। इसके अलावा फेमस एक्टर और कॉमेडियन दिनयार कॉन्ट्रैक्टर अमिताभ बच्चन के करीबी शीतल जैन और उरी द सर्जिकल स्ट्राइक में गृह मंत्री राजनाथ सिंह का रोल निभाने वाले नवतेज हुंडल का नाम शामिल है।